भोपाल में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें सड़कों पर जगह जगह बने स्पीड ब्रेकर्स को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि सड़क बनाने वाली एजेंसियों को स्पीड ब्रेकर्स के लिए सड़क सुरक्षा समिति की परमिशन लेना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनने वाली सड़कों के लिए कोई भी एजेंसी बिना परमिशन के स्पीड ब्रेकर नहीं बना पाएगी। वहीं नगर निगम और PWD को भी शहर की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति से परमिशन लेना होगी। यातायात व्यवस्था के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जो मल्टी लेवल पार्किंग उपयोग में नहीं हो रही है वहाँ ई रिक्शा फ्री में चलाए जाएंगे। साथ ही 20 जगहों पर लेफ्ट टर्न का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा समिति जल्दी रोटरियों को चिन्हित कर हटाने का कार्य करेगी। जल्दी अतिक्रमण को लेकर भी शहर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी। आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जो हुई है उसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले तो एक जगह जगह पे जो स्पीड ब्रेकर देखने में आ रहे थे, तो एक ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी स्पीड ब्रेकर अगर बनाना है तो सबसे पहले सड़क सुरक्षा समिति में उसका अप्रूवल होगा, उसके बाद ही कोई एजेंसी उसको बनाएगी। जहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है वो प्रयोग नहीं हो रही है वहाँ पर हम लोग फ्री में ई रिक्शा चलाएंगे, जो मार्केट तक जिनको लाया जा सके, जो पार्किंग जो वेंडर वो कर रहा है मैनेज कर रहा है उसके माध्यम से, जैसे उनका उपयोग सुनिश्चित हो जाए। जहाँ पर हमारे लेफ्ट टर्न विकसित होने हैं, लगभग ऐसे 20 स्थानों की पहचान करी गई है, वहाँ पर 20 जगहों पर लेफ्ट टर्न भी हम लोग डेवलप करेंगे। इसके अलावा रोड मार्किंग या अतिक्रमण संबंधित दूसरे जो मुद्दे आए थे उनके सबसे मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।